गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब घर पे ठीक ठाक होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मॉडल के बेसिक की जानकारी हासिल की थी कि भाई मॉडल क्या है, ये कैसे बना है और इनके यूजेस क्या है। आज हम इन मॉडल्स को वन टू वन डीपली पढ़ेंगे, इन मॉडल्स के बारे में वन टू वन डीपली। मॉडल की शुरुआत हम लोग कैन से करेंगे। किससे करेंगे? कैन। बेटा ध्यान रखना, कैन से शुरू करेंगे। तो कैन में जो पहला नियम, पहला रूल क्या कहता है कि कैन का प्रयोग किसी कर्ता मीन सब्जेक्ट, जो किसी कार्य को करता है, जिसके द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट या कर्ता। की शक्ति पावर, उसकी पावर क्षमता कैपेसिटी योग्यता एबिलिटी व सामर्थ्य कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी किसी कर्ता सब्जेक्ट जो किसी कार्य को कर रहा है उसकी पावर कैपेसिटी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रन फास्ट। इस पर उसकी पावर को दिखा रहा है सब्जेक्ट की, किस कौन है सब्जेक्ट, ही की पावर को ही कैन के द्वारा शो किया जा रहा है कि भाई उसकी पावर है, वो बहुत तेज भाग सकता है। ही कैन रन फास्ट। रमेश, सेकेंड एग्जाम्पल लेके चले अगर हम, रमेश इज वेरी रिच। रमेश बहुत धनवान है, सो ही कैन बाय ए न्यू कार। सो ही कैन बाय ए न्यू कार। कैपेबिलिटी यानी उसकी वो कैपेबल है। किस लिए कैपेबल है? एक न्यू कार खरीदने के लिए। पर क्यों कैपेबल है? क्योंकि वो क्या है? रिच है, इसलिए वो कैपेबल है। तो यहां पे उसकी कैपेबिलिटी शो कर रहा है कैन। थर्ड अगर एग्जाम्पल है, सी कैन ड्राइव ए कार, ये उसकी एबिलिटी है। यानी उसकी एबिलिटी शो कर रहा है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक कार को ड्राइव कर सकती है। ठीक है बेटा, तो ये कैन जो हम स्टार्ट किया है, कैन पे रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट रूल है। इसी तरह हम आगे सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है वो पढ़ेंगे, नोट डाउन करो बेटा। कैन का जो सेकंड रूल है कि कैन को कहां यूज करना चाहिए, वो सेकंड रूल क्या कहता है कि कैन का प्रयोग अनुमति मीन्स परमिशन, लेने या देने दोनों में, या तो लेने या देने दोनों के लिए किया जाता है। जैसे यहां पर हम देखें, यस यू कैन सिट हियर, और सेकंड एग्जांपल में देखें, कैन आई टेक योर पेन। दोनों केसेस में क्या ली हुई है बेटा? दोनों केसेस में परमिशन ली है। इन दोनों एग्जाम्पलों में परमिशन ली है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक में दी गई है और एक एग्जाम्पल में ली गई है। देखो ये वाला, यस यू कैन सिट हियर, इस एग्जाम्पल के अंदर वो परमिशन दे रहा है कि हाँ तुम यहां बैठ सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, और इस सेकेंड एग्जाम्पल में वो परमिशन ले रहा है कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। ये दोनों में डिफरेंस है। यानी कैन का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर कर्ता द्वारा किसी कार्य के लिए कोई परमिशन ली गई हो या दी गई हो। थर्ड नियम बेटा क्या कहता है? सामान्य संभावना, जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना जहां भी हो उसको प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। सामान्य संभावना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन कैन बी फाउंड इन एवरी मिडिल क्लास फैमिली। यहां पे क्या संभावना व्यक्त की गई? और वो साधारण यानी सामान्य संभावना है, मे बी हो और नहीं भी हो। यानी उन्होंने कहा टेलीविजन कैन बी फाउंड, यानी टीवी जो है वो हर घर में मिलता है इन मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। क्या संभावना भी है और नहीं भी है? सामान्य संभावना प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे बेटा कैन के यूज करने के नियम, नोट डाउन करो। इसके बाद हम कुड पढ़ें। आइए बेटा सेकंड को पढ़ते हैं। सेकंड है कुड। कुड ये जो है कैन का पास्ट रूप है, पास्ट टेंस है। यानी कैन प्रेजेंट में यूज होता है, कुड उसका पास्ट रूप है, यानी पास्ट टेंस में यूज होता है या पास्ट के बारे में बताता है। इसका अर्थ होता है बेटा कर सकता था, यानी उस समय मैं कैपेबल था, उस समय कर सकता था, पास्ट टेंस। कुड
कैन का पास्ट रूप है जो मैंने अभी आपको बताया होता है भूतकाल में पास्ट टेंस में किसी कर्ता सब्जेक्ट यानी जो कार्य कर रहा है उसकी योग्यता एबिलिटी और सामर्थ्य को दर्शाने के लिए कैन के स्थान पर पुट का प्रयोग करते हैं। कैन के स्थान क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि पास्ट टेंस बीते हुए काल में भूतकाल में उसकी वो कैपेसिटी थी कैपेबिलिटी थी या एबिलिटी थी उसको दर्शाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस ए फ्यू ईयर्स बैक यानी कुछ साल पहले मैं बिना ग्लास यानी चश्मे के पढ़ सकता था। इसके अंदर अगर हम देखें तो उसकी क्या झलकती है हमको, उसकी एबिलिटी झलकती है। क्या झलकती है? एबिलिटी। यानी कि भाई वो कुछ समय पहले चश्मे के बिना पढ़ सकता था कुछ साल पहले। दूसरे अगर एग्जांपल की बात करें तो आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वाज यंग यानी जब मैं यंग था जवान था तो मैं 100 किलो वजन उठा सकता था वही सकता था। यहां मैंने लिखा है भूतकाल। तो ये उसकी क्या शो करती है, ये उसकी कैपेबिलिटी शो करती है। ठीक है बेटा, तो ध्यान ये रखना है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट रूप है। नोट डाउन। हां तो बेटा कुड के लिए सेकंड रूल क्या कहता है कि वर्तमान काल यानी कुड का प्रयोग वर्तमान काल में भी होता है प्रेजेंट टेंस में भी होता है। कब होता है? वर्तमान काल में पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। कब? वर्तमान काल में। यानी अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो और कुड का यूज हुआ हो तो हमको ये पता लग जाना चाहिए तुरंत देखते ही कि यहां पे विनम्र निवेदन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड आया है। एग्जाम्पल कुड यू प्लीज हेल्प मी कुड यू प्लीज हेल्प मी क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो कृपया। हाँ प्लीज यानी विनम्र निवेदन जो है वो हो रहा है यहाँ पे। कुड यू प्लीज कंप्लीट माय होमवर्क क्या तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। ये विनम्र निवेदन पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कर रहा है इसलिए कुड का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि जब कैन और कुड के हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो कैन नॉट और कुड नॉट आता है यानी कांड और कुडंट इनका तात्पर्य क्या है, इनका क्या होता है? कांड का तो होता है कैन नॉट और कुडंट का तात्पर्य होता है कुड नॉट का प्रयोग करते। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा हम तीसरे मॉडल को पढ़ेंगे, अभी हम दो पढ़ चुके हैं कैन और कुड, तीसरे को पढ़ेंगे। थर्ड वन है मे का प्रयोग संभावना पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शुभकामनाएं विशेष आशीर्वाद ब्लेसिंग उद्देश्य पर्पस व अनुमति परमिशन देने या लेने आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे जो मॉडल है उसका प्रयोग कहां कहां होता है हमको ध्यान रखना है, जहां पे पॉसिबिलिटी हो या प्रोबेबिलिटी हो, जहां हम विशेष दे रहे हो या ब्लेसिंग कर रहे हो आशीर्वाद दे रहे हो या कोई पर्पज हो या फिर अनुमति परमिशन ग्रांट और गिव दोनों के लिए हम इसको मे मॉडल का यूज करते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल की बात करें पहला एग्जांपल देखिए बेटा देर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन टुडे पॉसिबिलिटी क्या हुआ पॉसिबिलिटी यानी आसमान में बादल है इसका मतलब आज बरसात होगी पॉसिबिलिटी है संभावना है तो ये यहां पे क्या सिद्ध हुआ पॉसिबिलिटी। दूसरा एग्जांपल देखिए मे आई कम इन सर क्या हो गया मे आई कम इन सर अनुमति आप सारे बोलते हो ना क्लास में जाते हो मे आई कम इन सर उसका मतलब क्या आप परमिशन ले रहे हो अनुमति ले रहे हो तो अनुमति परमिशन। सेकेंड वन थर्ड देखिए यू मे गो हाँ तुम जा सकते हो ये क्या हो गया इसमें पहले वाले दूसरे एग्जाम्पल में
लेना और देना, पहले में ली उसने और दूसरे में दी गई. फॉर द एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है बेटा, ये आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है कि तुम ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद है कि तुम लंबी उम्र जीवित रहो या तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये ब्लेसिंग आशीर्वाद है. तो ये था बेटा माइंड को, चौथे नंबर का माइंड, माइंड मॉडल क्या है, क्या नियम है इसके. तो माइंड, ये मे का पास्ट रूप है, जिस तरह कैन का गुड था उसी तरह मे का क्या है, माइंड. इसका उपयोग क्षीण संभावना, यानी जो संभावना न के बराबर हो. क्षीण संभावना का क्या होता है, वह संभावना जो न के बराबर हो, जिसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, उसको व्यक्त करने या दर्शाने के लिए किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल लेके चले हम, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड इन द स्काई सो इट मे रेन टूडे, यानी आसमान में बादल बहुत कम है तो बरसात होने की संभावना बहुत ही कम है. राम इज वेरी वीक इन इंग्लिश, राम इंग्लिश में कमजोर है, सो ही माइट गेट गुड मार्क्स, इसलिए इसकी संभावना बहुत कम है कि उसको कम नंबर, अच्छे नंबर आएंगे. यानी कहने का तात्पर्य है, जहां पर नगण्य संभावना हो, बहुत कम संभावना हो, वहां पर हम माइट का प्रयोग करते हैं. ठीक है बेटा, नोट डाउन करो. कैसा लगा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मॉडल्स के बारे में और कुछ जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. अगले मॉडल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए स्टे होम, गुड लक.